मुरादाबाद, गोलीबारी से गूंजी पीतल नगरी। दो इलाकों में पुलिस बदमाश मुठभेड़, 3 सुपारी किलर दबोचे, 2 सिपाही जख्मी। जी हां, आपको बता दें, शहर के थाना सिविल लाइन और थाना मजोला क्षेत्रों में मंगलवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में इलाके में सनसनी फैल गई। मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस ने 3 शातिर शूटर्स को टांग में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुठभेड़ में 2 हेड कांस्टेबल भी जख्मी हो गए। SSP हेमराज मीणा समेत पुलिस अधिकारियों ने मुठभेड़ स्थल का जायजा लेने के साथ अस्पताल में भर्ती सिपाहियों का हालचाल भी लिया। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। सुनील कपूर के साथ मनोज सैनी की रिपोर्ट, मुरादाबाद। सूर्यकांत और वो आकाश। अरे सूर्यकांत एक और है क्या? एक और अच्छा, सूर्यकांत और आकाश, आकाश और कटना, सूर्यकांत सर। इलाज के दौरान में उनका मृत्यु हो गई थी। इसी में 2 लोगों को पहले जेल भेजा गया था और इस घटना का दावा किया गया था। और 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था, स्कूटर जो थे उसमें एक सूर्यकांत उर्फ सानू था, दूसरा आकाश उर्फ गटवा और एक गोलू सुशील उर्फ गोलू। ये 3 लोगों का नाम प्रकाश में आए थे और इसी पर लगातार हमारी जो टीम है वो काम कर रही थी। आज सुबह सूचना मिली थी कांट थाना क्षेत्र के तरफ से, ये लोग जो सरेंडर करने के लिए मुरादाबाद की तरफ आ रहे थे। इसी पे सूचना पर थाना प्रभारी सिविल लाइन, थाना प्रभारी मंजुला के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें अगवानपुर एरिया में इनको ट्रेस किया गया। और वहाँ पे जब इनको घेराबंदी की गई तो एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा जो दीवार के पास छिपके और उसमें फायर किया गया, जिसमें उसको फिर बाद में जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। और उसका नाम
सुशील और गोलू है। उसके बाद में दो लोग वहाँ से जो मोटरसाइकिल थे दूसरी मोटरसाइकिल पर, ये लोग वहाँ से भागने का इन्होंने प्रयास किया, जिनको आगे थाना मझोला के अंतर्गत इनको ट्रैक करके और फिर इनको घेराबंदी की गई और इनके द्वारा भी पुलिस के ऊपर फायरिंग का प्रयास किया गया, जिसमें हमारे जो एक आदमी उसको हल्की चोट भी आई है और ये दोनों लोगों को भी वहाँ पे उनको गोली लगी और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम सूर्यकांत उर्फ सानू है और दूसरे का नाम आकाश उर्फ गटवा है। तीनों लोगों को यहाँ पे अभी जिला अस्पताल के अंतर्गत लाया गया है और इनका इलाज चल रहा है। बाकी हमारे जो दो सिपाही जो हेड कॉन्स्टेबल है उनको भी इसमें चोट लगी है, उनका भी यहाँ पे इलाज कर रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।